संविधान दिवस है आज और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आप लोग संविधान का इस्तेमाल करते हैं लेकिन मानते नहीं है। विपक्ष जिसमें मुख्य तौर पर कांग्रेस दल भी शामिल है, कांग्रेस और उनके साथियों को संविधान पे कम से कम बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण भी है। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने सही मायनों में सन 75 में आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या करने का काम किया। देश में अगर कभी समय के किसी कालखंड में अगर लोकतंत्र की हत्या की गई तो वो सन 75 में आपातकाल लगाकर कांग्रेस की ही सरकार के द्वारा की गई। दूसरा कारण, आज जब मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से बाबा साहेब को सम्मान देने का काम किया, उनसे जुड़े हुए जितने भी स्थल थे जहां उन्होंने शिक्षा हासिल की, लंदन में हो या जहां उन्होंने नागपुर में दीक्षा हासिल की वो दीक्षा भूमि हो, या महाराष्ट्र मुंबई में चैत्य भूमि हो, या दिल्ली में जहां वो रहते थे वो हो, या मऊ में जहां उनका जन्म हुआ हो, इन सारे स्थलों को जिस तरीके से विकसित कर उन्हें पंच तीर्थ के तौर पर प्रधानमंत्री जी ने विकसित कर बाबा साहेब को सम्मान देने का काम किया, उसके बाद कांग्रेस और उनके घटक दलों को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की याद आई। 89 से पहले तक बाबा साहेब की एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। जिन्होंने संविधान बनाया, जिस संविधान की प्रतिलिपि आज की तारीख में कांग्रेस के नेता और उनके तमाम घटक दल के साथी हाथ में लेकर घूमने का काम करते हैं, उसी संविधान के निर्माता की एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी, जबकि कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की और उसमें से एक ही परिवार के तीन तीन नेताओं की तस्वीरें भारत की संसद के सेंट्रल हॉल में लगी हुई थी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने बाबा साहेब को हरवाने का काम किया और आज इनको वही संविधान के निर्माता याद आते हैं, आज इनको वही संविधान याद आता है। हकीकत है सिर्फ झूठ बोलना इनका काम है। लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने झूठ बोला कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान की हत्या हो जाएगी, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा। आज लगभग 6 महीने होने को आए, बताएं किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहां का संविधान खत्म कर दिया गया या कौन से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। सिर्फ झूठ बोलना कांग्रेस और इनके घटक दलों का काम है और यही परिणाम, यही कारण है कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां इनके बड़े से बड़े घटक दल एक साथ हैं वहां पर इनकी इतनी बड़ी हार होती है। हरियाणा जैसे राज्यों में जहां एक तरफा इनको समर्थन मिलना चाहिए था वहां इनकी बड़ी हार होती है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जनता अब इनके झूठ को समझ गई है। इसीलिए आज संविधान दिवस, आज से पहले मुझे बताइए किसने मनाया था संविधान दिवस? जब तक नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार नहीं आई थी 26 नवंबर को कोई याद भी नहीं करता था, कोई जानता भी नहीं था। संविधान दिवस मनाना तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने कभी इस दिवस का जिक्र तक नहीं किया। आज जब मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बार बार इस संकल्प को दोहराया जाता है कि देश चलेगा तो सिर्फ संविधान के आधार पर, उस बात से विपक्ष और कांग्रेस के नेता, राजद के नेता बौखलाते हैं, घबराते हैं। आरक्षण को बढ़ाने की तैयारी जो आपने शुरू कर दी है, प्रभारी जो है आपने फिर से अरुण भारती जी को नियुक्त किया है, तो तैयारी जो है कितनी सीटों पर आप लोगों की चल रही है, उम्मीद कितनी? देखिए, सबसे पहले तो मुझे खुशी है इस बात की और मैं अपने संगठन के तमाम साथियों का जो बिहार में है, जो झारखंड में है,
मैं सबका मैं धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के उस सपने को पूरा किया, जहां उनकी चाहत थी कि लोक जनशक्ति पार्टी का भी प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक झारखंड की विधानसभा में हों। हम लोगों ने 2014 में भी एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था, पर उस वक्त भी हम लोगों को ये सफलता हासिल नहीं हुई थी। शिकारी पारा की एक सीट पर उस वक्त हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। मुझे खुशी है कि चतरा में गठबंधन के तहत एक सीट पर हम लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिला और उस सीट को एक बड़े मार्जिन से, लगभग 19,000 वोटों के मार्जिन से जनार्दन पासवान जी ने जीतने का काम किया, जिससे अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उपस्थिति एक और राज्य में हो गई है। बिहार में जहां 5 सांसद हैं, तो वहीं नागालैंड में हम लोग के 2 विधायक हैं, अब 1 विधायक हम लोगों का झारखंड में भी है। तो ये मेरे उस नेता के सपने को पूरा करता है जिसमें आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पार्टी के विस्तार को देखा था। उसी विनिंग टीम को प्रभार, जिस टीम के साथ झारखंड में इन लोगों ने कार्य किया था और जिस सुनियोजित तरीके से जितनी मेहनत के साथ उस टीम ने सफलता हासिल की, केंद्रीय नेतृत्व का, तमाम वरिष्ठ नेताओं की ये सोच थी कि उसी टीम को ये जिम्मेदारी बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए भी दी जानी चाहिए है, और ऐसे में उसी सोच के साथ ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं मानता हूँ 100% स्ट्राइक रेट के साथ अभी तक हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिहार से पहले दिल्ली में भी चुनाव होने हैं, उसमें भी अगर मौका मिला तो हम लोग अपना यही स्ट्राइक रेट बरकरार रखना चाहेंगे। बट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगले साल जो बिहार विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, सीटों की संख्या गठबंधन के भीतर ही तय होंगी, उससे पहले मैं आपके साथ कतई साझा नहीं कर सकता हूँ। पर हाँ, जितनी सीटें लड़ेंगे 100% स्ट्राइक रेट उसमें भी रहे, यही लक्ष्य मेरा और मेरी पूरी टीम का। थैंक यू। ताकि जब ये लोग सरकार में होते हैं, ये सारी सोच इनके जहन में तब क्यों नहीं आती है? ये तमाम चीज़ें विपक्ष में जाने के बाद इनके संज्ञान में क्यों आने लगती है? आज जब ये सारी बातें बोलते हैं, कुछ दिनों पहले मेरे प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए बोल रहे थे कि अच्छा होता अगर वो विशेष राज्य का दर्जा लेकर आते, तो भैया आप थे नहीं क्या केंद्र सरकार में? ये लोग केंद्र सरकार का हिस्सा थे कि नहीं थे? और उस वक्त तो नीति आयोग होता था, आज की तारीख में जो प्लानिंग कमीशन उस वक्त प्लानिंग कमीशन होता था, आज की तारीख में जो नीति आयोग है, तो उस वक्त तो ऐसे सहज प्रावधान भी थे। अगर ये चाहते, आज की तारीख में अगर हम लोग प्रावधानों का जिक्र करें तो कई ऐसे प्रावधान हैं जिसकी वजह से हम लोग को ये कठिनाई आ रही है। पर उस वक्त जब इनकी पार्टी लगातार निरंतरता में केंद्र सरकार का हिस्सा थी, क्यों नहीं इन लोगों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया? और एक ऐसा समय भी था जब बिहार में भी इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार, क्यों नहीं इन लोगों ने ऐसी इन कार्यों को इन्होंने कर दिया? ये बातें कहने के लिए और जब अपना समय आता है करने के लिए कुछ और, ये आपकी सोच को दर्शाता है कि आप इन मुद्दों पर, ऐसे मुद्दे जो इतने सेंसिटिव हैं, जो इतने गंभीर हैं, उसमें सिर्फ आप राजनीतिक सोच करना चाहते हैं, आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, ये गलत। एक आखिरी सवाल लेंगे, लोकसभा में 100% किया हम लोग के उम्मीदवार के पास आए तक नहीं चुनाव के प्रचार के लिए? देखिए, पहली बात तो वो किसी राजनीतिक सक्रिय राजनीति से वो जुड़े हुए नहीं हैं, उनकी बात पे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना कोई ज़रूरी नहीं है। पर हाँ, उनके परिवार के कई सदस्य सक्रिय राजनीति में हैं और वो ऐसे घटक दल में हैं जो हम लोग के गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में सुझाव बस इतना देंगे, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी की कृपा पर जेल से वो बाहर आए हैं और किस संगीन आरोप में वो जेल के अंदर थे, ऐसे में पुनः उसी समाज से आने वाले लोगों पर, जिस समाज के ऊपर उनके ऊपर आरोप लगे थे, पुनः उसी समाज के लोगों पर जब वो एक उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने किसका साथ दिया नहीं दिया, मैं बस उनको इतना सुझाव दूँ कि वो खुद एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, भले खुद सक्रिय राजनीति में नहीं हों, पर उनके परिवार के सदस्यों को आगे भी चुनाव लड़ना है, सब करना है। ऐसे नाम लेकर पासवानों के ऊपर इस तरीके से उंगली उठाना, पासवान समाज के ऊपर इस तरीके से उंगली उठाना, मुझे नहीं लगता कि गठबंधन में, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य हैं, ये उचित है।
बाकी उन्होंने जो कहा नहीं कहा, जैसा मैंने कहा वो सक्रिय राजनीति में नहीं है, तो उनके जवाब देना कोई जरूरी नहीं। आरक्षण को लेकर के तेजस्वी यादव कह रहे हैं 85% संसद में नहीं थी, जिन्होंने संविधान बनाया, जिस संविधान की प्रतिलिपि आज की तारीख में कांग्रेस के नेता और उनके तमाम घटक दल के साथी हाथ में लेकर घूमने का काम करते हैं, उसी संविधान के निर्माता की एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी, जबकि कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की और उसमें से एक ही परिवार के 3-3 नेताओं की तस्वीरें भारत की संसद के सेंट्रल हॉल में लगी हुई थी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने बाबा साहेब को हरवाने का काम किया और आज इनको वही संविधान के निर्माता याद आते हैं, आज इनको वही संविधान याद आता है। हकीकत है सिर्फ झूठ बोलना इनका काम है। लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने झूठ बोला कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान की हत्या हो जाएगी, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा। आज लगभग 6 महीने होने को आए, बताएं किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहां का संविधान खत्म कर दिया गया या कौन से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। सिर्फ झूठ बोलना कांग्रेस और इनके घटक दलों का काम है और यही परिणाम, यही कारण है कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां इनके बड़े से बड़े घटक दल एक साथ हैं वहां पर इनकी इतनी बड़ी हार होती है। हरियाणा जैसे राज्यों में जहां एक तरफा इनको समर्थन मिलना चाहिए था वहां इनकी बड़ी हार होती है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जनता अब इनके झूठ को समझ गई है। इसीलिए आज संविधान दिवस, आज से पहले मुझे बताइए किसने मनाया था संविधान दिवस? जब तक नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार नहीं आई थी 26 नवंबर को कोई याद भी नहीं करता था, कोई जानता भी नहीं था। संविधान दिवस मनाना तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने कभी इस दिवस का जिक्र तक नहीं किया। आज जब मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बार बार इस संकल्प को दोहराया जाता है कि देश चलेगा तो सिर्फ संविधान के आधार पर, उस बात से विपक्ष और कांग्रेस के नेता, राजद के नेता बौखलाते हैं, घबराते हैं। आरक्षण को बढ़ाने के लिए आनंद मोहन ने कहा है कि चिराग पासवान ने एनडीए के उम्मीदवारों को ही दरकिनार किया, हम लोग के उम्मीदवार के पास आए तक नहीं चुनाव के प्रचार के लिए। देखिए पहली बात तो वो किसी राजनीतिक सक्रिय राजनीति से वो जुड़े हुए नहीं है, उनकी बात पे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना कोई जरूरी नहीं है। पर हाँ, उनके परिवार के कई सदस्य सक्रिय राजनीति में हैं और वो ऐसे घटक दल में हैं जो हम लोग के गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में सुझाव बस इतना देंगे, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी की कृपा पर जेल से वो बाहर आए हैं और किस संगीन आरोप में वो जेल के अंदर थे। ऐसे में पुनः उसी समाज से आने वाले लोगों पर, जिस समाज के ऊपर उनके ऊपर आरोप लगे थे, पुनः उसी समाज के लोगों पर जब वो एक उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने किसका साथ दिया नहीं दिया, मैं बस उनको इतना सुझाव दूंगा कि वो खुद एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, भले खुद सक्रिय राजनीति में नहीं हो, पर उनके परिवार के सदस्यों को आगे भी चुनाव लड़ना है, सब करना है। ऐसे नाम लेकर पासवानों के ऊपर इस तरीके से उंगली उठाना, पासवान समाज के ऊपर इस तरीके से उंगली उठाना, मुझे नहीं लगता कि गठबंधन में, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य हैं, ये उचित है। बाकी उन्होंने जो कहा नहीं कहा, जैसा मैंने कहा वो सक्रिय राजनीति में नहीं है, तो उनके जवाब देना कोई जरूरी नहीं। आरक्षण को लेकर के तेजस्वी यादव कह रहे हैं 85% जो है वो देना चाहिए, एक बिल लाना चाहिए विधानसभा में जिसको और हम लोग सब पास कर दें आरक्षण को। मेरी समझ में नहीं आता कि जब ये लोग सरकार में होते हैं ये सारी सोच इनके जहन में तब क्यों नहीं आती है, ये तमाम चीजें विपक्ष में जाने के बाद इनके संज्ञान में क्यों आने लगती है। आज जब ये सारी बातें बोलते हैं, कुछ दिनों पहले मेरे प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए बोल रहे थे कि अच्छा होता अगर वो विशेष राज का दर्जा लेकर आते, तो भैया आप थे नहीं क्या?